नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थियों ने जब अपने नतीजे देखे तो हैरान रह गए, क्योंकि जहां जिनके नंबर 90 से 80 आए थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। आखिरकार किस तरह का भेदभाव हुआ, इस बात को लेकर आज ऊना जिले में जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि उनके नंबर अच्छे हैं, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बात को लेकर कर वे मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगी और ज्ञापन देंगी और न्याय की मांग करेंगी कि उनका सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि जहां उनकी उन्होंने इतनी मेहनत की इसके बावजूद भी उनके नंबर अच्छे आए, लेकिन आरक्षण के चलते आज उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अच्छा, न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं संजय स्टेडियम में, जहां पर कुछ बच्चियां आई हुई जिन्होंने अभी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा दी थी, जिसमें उनको लग रहा है कि उनके जो नंबर आए उसके आधार पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जिनके कम नंबर आए उनका सिलेक्शन हो गया है, जबकि जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनके अभी उन्हें परीक्षा में पास नहीं किया गया है, ना ही नंबर आए। आइए हम सीधे उनसे बात करेंगे, उन बच्चियों से बात करेंगे कि उन्होंने परीक्षा दी, उनके नंबर जो आए वो कहाँ तक संतुष्ट। एमपी कांस्टेबल में 71 नंबर थे, फिर भी मेरा नोट क्वालिफाई हुआ है, जबकि लड़कियों का किसी का 55 पे, 66 पे, लड़कों का तक होगा है 62 पे। तो आप क्या करें, कैटेगरी ओबीसी फिर भी नहीं हुआ है। और ये किसी मतलब ये नहीं कि कैटेगरी से, मतलब एससी ओबीसी जनरल सब लड़कियों के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ, सबके साथ हुआ है। सबके रिजल्ट में किसी में पहले लिखा जाता है क्वालिफाई हो गया, फिर हो रहा है नोट क्वालिफाई हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन किया है, तो कैसा किया है हमें बस ये बता दो, रिजल्ट हमें दोबारा कट ऑफ चाहिए, बात खत्म। क्या होता है हमें खुद पता नहीं है ना, ये कट ऑफ होता क्या है, हमने कभी देखा ही नहीं है जिंदगी। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, 75 पर नहीं हुआ, 55 पर हो गया, 54 पर हो गया, हम 60 लाख बैठे हैं। हमारा गर्ल्स में एससी से 65 पे नहीं हुआ सर, गर्ल्स का, और बोसी लड़कियों का 60-61 पे हुआ है और हमारा 65 पे नहीं हुआ सर। हमें संशोधन चाहिए, हमें रिजल्ट में संशोधन चाहिए। तो अब आप लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? भोपाल जाएंगे सर। कल हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल जा रहे हैं आप लोग प्रदर्शन करने के लिए। अभी यहाँ पर आपने कॉलेज में कोई दिया आवेदन? अभी यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि संडे है तो बंद होगा कलेक्ट्रेट, भोपाल जाएंगे। हमारे रियल मार्क्स और सेकंड नॉर्मलाइज मार्क्स चाहिए, कि उनने कितना संशोधन किया है उसमें, किस आधार पर लिस्ट बनाई है, और हमें हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है हमें ये तो बताया जाए कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पे किया जाता है। जनरल कैटेगरी में जिस लड़के के 69 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसी जनरल कैटेगरी में जिस लड़के के 69 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता। 75 वाली गर्ल्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, 55 वाली गर्ल्स को क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो पहली बार बना रहे हैं, मैक्सिमम गर्ल्स इतनी है जिनके 70+ मार्क्स है, मैक्सिमम गर्ल्स के 70+ मार्क्स है, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं, सबके 70+ मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी की गर्ल्स जनरल कैटेगरी की किसी भी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ जनरल बॉयज का सिलेक्शन हुआ है और अदर कैटेगरीज की गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, मेरे 67 मार्क्स है, मेरी सिस्टर के 73 मार्क्स हैं, और एक अदर एक लड़की 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो लड़के 50-50 नंबर में सिलेक्ट होकर बैठे हैं, आप ही बताओ। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, 50% आरक्षण है, फिर कौन सा आरक्षण दे रहा है ये लोग, जब 75 में फिजिकल के लिए नहीं बुला रहे हम। मामा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ाने का फायदा क्या, जब आप लोगों को सिलेक्शन ही नहीं देना है, हम लड़कियों को 62-66 में लड़कों को लेके बैठे, और हम लोग काम पागल हो गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर वालों से लड़ लड़के आ रहे हैं, रिजल्ट चाहिए। जब 2017 नहीं देंगे हमें।
कितने नंबर लेके आए? जोर से बोलना, थोड़ा जोर से। कितने? 75 मार्क्स लेकर। और 75 पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ था, जनरल से। जनरल से, जनरल। अब आप क्या चाह रही? जो मन में जिसके अच्छे मार्क्स, हम ये चाह रहे हैं कि सभी का सिलेक्शन, सभी ने मेहनत की है, तो हम यह चाहते हैं कि सभी लड़कियों ने मेहनत की, तो लोगों को होना चाहिए, फिर से होना चाहिए, रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रिजल्ट होता है कि आप अच्छे अच्छे हाई मार्क्स आए, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाए, उनको जॉब नहीं मिल पाए, उनको सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, थोड़ी बात होती है, गलत बात है। वैसे भी लड़कियाँ इतना घर वालों से लड़के लड़कियाँ वाकई में अपनी फैमिलियों से लड़के आ रही है यहाँ पे रनिंग के लिए तैयारी करेंगे। नहीं, अब ना 2017 से लेके अब जाके वैकेंसी आई, अब तो कुछ तो हमें मिले। मेरा नाम राम कुमार रघुवंशी है, मेरी शिफ्ट में 76 पे एक लड़के का हुआ है और मेरा 79 पे। आपका शिफ्ट में? हाँ, मेरी शिफ्ट में क्या आपने? पैसे हमारे पास है नहीं, होते तो ये जॉब हम करते नहीं, इसलिए यहाँ पे भी गलती हुई है, जो उनको सही किया जाए और हमारा रिजल्ट दोबारा से दिया जाए। रिजल्ट में संशोधन चाहिए। इक्कीस वाले को हुआ और राधिक वाले का नहीं हुआ। थैंक यू सर। इक्कीस हिसाब से